हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। चली इसको सुखाने। Thank you.
दिया और लुक एट द पपीता, हमारे पेड़ में कितने सारे पपीते लगे हैं। मेरा घर का ऑलमोस्ट काम कम्प्लीट हो चुका है, मैं मार्केट से आ गई और मैंने सारा सामान वगैरह सब्जी वगैरह धो के अपनी जगह पे रख दिया है। अब मैं जाऊंगी नहाने क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो अब मैं हो चुकी हूँ नहा के रेडी और अब वक्त हो चुका है दोपहर के खाने का। सो दोपहर का खाना फटाफट खा लेते हैं क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी है और मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। सो दोपहर का खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है? और देखते हैं मम्मी ने क्या क्या बनाया है, लेट्स सी। तो पहले खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो अब मैंने अपना दोपहर का खाना कंप्लीट कर लिया है, मतलब खा लिया मम्मी और मैंने, और अब मैं आ गई हूँ बाहर क्योंकि मुझे आपको बाहर का व्यू दिखाना था। सुबह जैसे कि आपने देखा था यहाँ इतनी धूप दे रही थी और सडनली यहाँ का वेदर चेंज हो चुका है, अब लग रहा है थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। अब देखिए फिर मुझे बताना। आसाम का मौसम ना सच में बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। लुक एट द वेदर गाइस, अभी देखो सुबह कैसा मौसम था और अब कैसा मौसम हो चुका है, मतलब बादल छा गए हैं, लगता है थोड़ी देर में ही बारिश होने वाली है। क्यों इतनी बारिश होती है, क्यों? सिर्फ दो दिन यहाँ पे धूप दिया, उसके बाद से बारिश बारिश बारिश, थोड़ा तो कम करो बारिश देना। सो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम मिलते हैं आपसे इसी तरह से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।